हाय फ्रेंड्स, होम कुकिंग वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला डोसा। ये बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना है मसाला डोसा, तो चलो स्टार्ट करते हैं मसाला डोसा बनाना। 200 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 1 चम्मच मेथी दाना, इन सबको 3 घंटे पहले बेटर बना के रखा है। बॉयल किए हुए आलू, 2 प्याज काटी हुई, 2 टमाटर काटे हुए, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, लहसुन की चटनी, इसका हम तीखा मसाला डोसा बनाएंगे, राई, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, तो चलिए मसाला बनाते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें राई ऐड करेंगे, राई को अच्छे से चटकने देंगे, फिर इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, फिर बारीक काटी हुई प्याज, प्याज को अच्छे से भून लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, खाली 2 मिनट पकाना है। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर टमाटर को फ्राई होने देंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। अब सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड कर लेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब डोसे का मसाला तैयार हो चुका है। मसाला तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम डोसा बनाते हैं। बेटर तैयार हो चुका है, अब इसमें नमक ऐड करेंगे, बेटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेटर को ज़्यादा पतला भी नहीं कर रखना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बेटर को बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ये हमने नॉनस्टिक का तवा लिया है, इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें थोड़ा पानी छिटक लेंगे, उसको अच्छे से पोंछ लेंगे। 1 चम्मच बेटर डाल के अब डोसा बनाते हैं, और डोसे को बिल्कुल पतला रखना है ताकि डोसा क्रिस्पी बनता है। डोसे के ऊपर अब तेल लगाना है, गैस को धीमी आंच पे रखना है। डोसे में अच्छे से कलर आ चुका है ब्राउन, आप देख सकते हैं। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे,
डोसा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरा एक तीखा मसाला डोसा बनाएंगे। डोसे के ऊपर लहसुन की तीखी चटनी लगा लेंगे। अब डोसे के ऊपर मसाला ऐड कर देंगे। तीखा मसाला डोसा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करूंगी नारियल की चटनी और सांभर के साथ। सांभर और नारियल की चटनी की रेसिपी आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अलग से वीडियो दिया हुआ है। अगर मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।